गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा हफ्ता होने वाला है उसको मैं पूरा डेडिकेट कर रहा हूँ आईपीएल के ऊपर, यानी कि आपको आईपीएल से जुड़ी ये जो हफ्ता है उसमें आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, फिर वो चाहे रिचार्ज से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो आईपीएल स्कोर से रिलेटेड हो, आईपीएल लाइव मैचेस से रिलेटेड हो, जो भी वीडियोज़ रहेंगी वो आपको इस हफ्ते देखने को तो मिलेंगे ही। तो मेक श्योर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आप एक ट्रू आईपीएल फैन हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिचार्ज तो कर लेते हैं, यानी कि जो 401 रुपये वाला प्लान है या और कई भी प्लान है जो जियो और एयरटेल पे चल रहे हैं, जिनमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो ऑफर है एक साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाला वो आपको दिया जा रहा है फ्री में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिचार्ज तो कर लेते हैं लेकिन उसको एक्टिवेट करने का तरीका नहीं जानते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है मैं आपको उसमें स्पेसिफिकली इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन पैक को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, यानी कि जो नंबर आपने रिचार्ज किया है उससे मैं कैसे लॉग इन करूँ और क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन लगती है, सारा कुछ आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कुछ टर्म एंड कंडीशन के बारे में जिनमें आपको रिचार्ज करने के बाद आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। यहां पर जो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन वो ये है कि आपको रिचार्ज के 4 घंटे बाद ही अपने नंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लॉग इन करना होगा। और साथ ही साथ आपको मैं दूसरा यहां पर टर्म एंड कंडीशन ये बता देना चाहता हूं कि आपको अपने उसी नंबर से लॉग इन करना होगा जिस नंबर से आपने रिचार्ज किया था, यानी कि जो नंबर आपने पहले रिचार्ज किया था उससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको जो नंबर आपने अभी रिचार्ज किया होगा उससे से आपको अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लॉगिन करना होगा, तब जाकर आप वीआईपी सब्सक्रिप्शन के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि उनके पास जियो फाई डोंगल होता है, इसको इसमें लॉगिन कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि वो अपने सिम को जियो फाई डोंगल से निकालकर किसी 4G मोबाइल में डालें, फिर उसके बाद जो OTP आएगा उसको वहां पर एंटर करके वो चाहे तो अपने जो सिम है उसको फिर से जियो फाई डोंगल में डालकर अपने नंबर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लॉगिन करके आप मजा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डेमो देता हूं कि किस तरीके से आप अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में लॉगिन कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उसी नंबर से लॉगिन कीजिएगा जिस नंबर से आपने रिचार्ज किया होगा। तो आपको यहां पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, फिर उसके बाद आपको यहां पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर जाना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले आना है जो सबसे ऊपर दिख रहा है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपने मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर OTP के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है, तो OTP भी जा रहा होगा, तो OTP भी मैं यहाँ पर एंटर करके आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने OTP को एंटर कर दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पैक है वो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन पैक दिखा रहा है और साथ ही साथ ये जो वैलिडिटी है वो 8 जून 2021 तक के लिए वैलिड है। मेरा ये जो नंबर है वो जियो का है, आप चाहें तो एयरटेल में भी 401 का रिचार्ज करवा कर इस ऑफर का मज़ा उठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये ना दिखे, अगर ये पैक आपका एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको इंतजार करना है रिचार्ज के बाद। अगर फिर भी नहीं दिखता है, फिर भी आपका यहां पर VIP सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाता है, तो आपको एक बार कस्टमर केयर में कॉल करके अपने इस प्रॉब्लम के बारे में उनको बताना होगा, तभी जाकर आपका कुछ रिजोल्यूशन निकल पाएगा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस डिज्नी प्लस हॉटस्टार में लॉग इन कर सकते हैं अपने किसी भी, चाहे जियो का नंबर हो चाहे एयरटेल का नंबर हो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।